मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सरकार की कथनी और करनी में फर्क होने के आरोप लगाए हैं। मातृशक्ति के बारे में अकेला नहीं है, चाहे गौ माता हो चाहे मातृशक्ति हो, सबकी स्थिति ऐसी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। जब थानों की लीलामी होगी, जब थाने बिचेंगे, तो थानेदार TI अपने रिन्यूअल की चिंता करेंगे कि रिचार्ज कब कराएं, रिन्यूअल कब कराएं, वो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता क्यों करेंगे। इसलिए बेटियां गायब हो रही हैं, जो अच्छा नहीं है। ये वो गौशाला खोलने वालों को सोचना चाहिए। हमारे जिले से आते हैं गौपालक मंत्री, हमारे यहाँ तो आपके यहाँ साथ हुई है, हमारे यहाँ तो एक कमरे में बंद करके मार दी। अभी हमने दूसरा समाचार पढ़ा कि पूरे के पूरे गांव के पशु एक जगह स्कूल की बाउंड्री में बंद कर दिए। यही राजगढ़ की स्थिति है। वो लोग जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हर गांव में एक गौशाला खुलेगी, खुद गौपालक मंत्री के गांव में गौशाला नहीं है। मैं कल उनके क्षेत्र में गया था, वहाँ उनके यहीं गायें उजाड़ कर रही हैं, किसानों की फसी खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए, पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने PR को छोड़ नहीं सकते।